क्लीननेस टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम रैक्स में बर्तन लगाएंगे और फिर मशीन को इको मोड में चला के देखेंगे कि उन्हें कैसे वॉश करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस रैक में मैं किस तरह के बर्तन लगा रहा हूँ, तो वो कितने गंदे हैं। तो आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा मशीन के वॉश करने के बाद को किस लेवल तक साफ़ कर सकती है। तो सबसे पहले हम नीचे के रैक से शुरुआत करेंगे। तो इसमें हम पहले बड़े बर्तन लगा लेते हैं। इसमें हम ये चाय का भगोना लगाएंगे, जो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा पानी से धो के लगाया। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप बर्तन लगा रहे हैं थोड़ा बहुत उसको पानी से धो जोड़ लें, उसमें सामान जमा ना रहे, नहीं तो सामान अच्छे से छूटेगा नहीं। दूसरा, हम इसमें दूध का बर्तन लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसे पानी से धोया है, लेकिन इसे साइड वगैरह से खुरचा नहीं है, तो काफ़ी अन्ना ये हमें इसका रियल टेस्ट देगा मशीन का कि मशीन इसको कितना साफ करती है। हम इसमें कुछ प्लेट्स वगैरह लगा लेते हैं। मैं इसमें जो प्लेट्स लगा उसमें देख सकते हैं इनमें थोड़ा घी वगैरह लगा हुआ है, तो अगेन ये हमें टेस्ट करने में आसानी से बताएगा कि कितना है मशीन साफ करती है, घी को कैसे निकालती है। नीचे की रैक को फुल कर लिया, अब हम ऊपर की रैक में बर्तन लगाएंगे। फिर मैं उसमें ऊपर में भी एक ये भगोना रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं तेल वगैरह के दाग लगे हैं। तो ये भी पता चले कि अगर ऊपर में आप बड़े बर्तन रखते हैं तो वो कैसे साफ होते हैं। हम इसमें और बाकी के बर्तन लगा लेंगे। देख सकते हैं कि हमने पूरा ऊपर वाली रैक को पूरा बर्तनों से भर लिया है। इसमें दूसरे बर्तन, ग्लास, कटोरी वगैरह भी हमने लगा दिए हैं, और ऐसे नीचे वाली रैक में भी हमने एडिशनल बर्तन लगा दिए हैं, जैसे थाली है, प्लेट्स वगैरह हैं, भगवानों के अलावा उनको भी लगा दिया। मशीन को बंद कर देंगे और इसको इको मोड में चला। अब मशीन को हम इको मोड में चलाएँगे। देख सकते हैं मशीन इको मोड में चालू हो गई है। अब हम 1 घंटे 25 मिनट बाद देखेंगे कि बर्तन कैसे धोती है। तो दोस्तों, हमारे बर्तन धुल चुके हैं। अब सबसे पहले हम नीचे वाली ट्रे में से जो हमने बड़े बर्तन रखे थे वो निकाल के देखेंगे वो कैसे धुले हैं, चिकनाई गई कि नहीं गई, दूध का बर्तन कैसा साफ हुआ और चाय का बर्तन कैसा साफ हुआ। ये है हमारा दूध का बर्तन। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो ये काफ़ी कुछ साफ हो गया है, इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत आप नीचे में देख सकते हैं कि दाग सा दिख रहा है, जो कि हमारे पुराने दाग हैं, तो वो जाने में मुझे लगता है 4-5 वॉश लगेंगे, उससे पहले नहीं जाएगा। और यहाँ पे इधर देखिए, अगर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, नीचे में थोड़ा थोड़ा सा जमा हुआ है, इसमें वो नहीं निकला है, वो अभी भी इसमें जमा हुआ आएगा वैसे ही। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट यहाँ पे, ये नहीं छुड़ा पाया ये। तो इसीलिए जब भी आप बर्तन को रखें इसमें धोने के लिए, दूध का या चाय का, तो उसे पहले थोड़ा खुरश लें या साफ़ कर लें, किसी ब्रश वगैरह से थोड़ा रगड़ लें, तो ये मशीन उसे अच्छे से धोएगी। हम ये नहीं कह सकते कि मशीन ख़राब काम कर रही है। बेसिकली ये मशीन गर्म पानी से बर्तनों को धोती है सर्फ के सहारे, तो अगर आपके बर्तनों में कुछ जमा हुआ है या पहले का गंदा लगा हुआ है तो वो ये नहीं छुड़ा पाएगी। इसलिए दूध और चाय की भगोनी जो है उसे हमेशा थोड़ा सा हाथ से खुरच करके साफ करके तभी इसमें डालें। अब हम चाय का बर्तन देखते हैं। ये हमारी चाय की भगोनी, आप ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक साफ हो गई है, लगभग काफ़ी हद तक नहीं, मेरी पूरी ही साफ़ हो गई, क्योंकि इसको जो है मैंने थोड़ा सा खुरच के रखा था और साफ़ करके पानी से धो के और जूने से थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगा दिया था, तो इसमें उतना कुछ जमा हुआ नहीं था, इसलिए पूरी तरह से साफ हो गई है। आप देख सकते हैं चमक गई है।
अब हमने ऊपर जो भगोना रखा था जिसमें हमने जिसमें हमारा ऑयल वगैरह लगा हुआ था, उसमें हमने खिचड़ी बनाई थी तो उसका बहुत सारा ऑयल था, वो देखते हैं कि वो कैसा साफ हुआ है। धीरे से इसे निकाल लेंगे। अरे वाह, तो आप देखिए ये भी काफी चमक गया है, बिल्कुल सुंदर और साफ सुथरा दिख रहा है, इसमें कुछ लगा भी नहीं है। नीचे में आपको कुछ दाग सा दिखेगा तो फिर वही बात, ये हमारे पुराने दाग हैं जो अभी भी इसमें लगे हुए हैं, थोड़ा सा 3-4 धुलाई में हो सकता है कि ये भी निकल जाए। हम एक थाली उठा के आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसने थाली को कैसा साफ किया हुआ है। तो इसमें भी हमारा काफी ऑयल और घी वगैरह लगा हुआ था, चपाती वगैरह हमने इसमें बना के खाई थी, तो वो भी लगभग लगभग पूरी अच्छे से साफ हो गई है, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। क्लीननेस टेस्ट, और काफी हद तक इसने बर्तन साफ कर दिए हैं और काफी अच्छे से किए हैं, बर्तनों में शाइन भी आ गई, चाहे दूध के बर्तन हो, तेल के बर्तन हो, चाय की भगोनी हो, सभी को इसने साफ किया है अच्छे से। लेकिन बस एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप बर्तन इसमें लगाएं तो उन्हें पानी से थोड़ा धो लें, उनमें कुछ जमा हुआ हो तो उसे छुड़ा लें, क्योंकि अगर कुछ जमा हुआ होगा, 2-3 दिन पुराने बर्तन होंगे, तो ये मशीन उसे अच्छे से एक धुलाई में साफ नहीं कर पाएगी। या तो आपको मशीन में 2-3 बार धोना पड़ेगा या थोड़ा सा हाथ से उसे खुरच के मशीन में रखना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तथा आपको इससे डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आप कौन सा डिश वॉशर लें, बोश का लें या आईएफबी का लें, और आपको बोश के डिश वॉशर की फंक्शनलिटी भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।